हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। इस पेंटिंग को जब मैंने अपलोड किया ना, उसके बाद मुझे इतने सारे कमेंट्स मिले कि इसके जो ड्राइंग्स हैं वो कैसे होंगे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसके ड्राइंग में कलरिंग करने वाली वीडियो बनाई थी। और सॉरी, उसका जो ड्राइंग वाला वीडियो था ना, वो वीडियो क्रॉप्ड हो गया था। सो इसके वजह से मैं ड्राइंग वाला वीडियो नहीं डाल पाया था, मैं डायरेक्टली कलरिंग वाला वीडियो डाला था। सो उसके बाद आपके जो कमेंट्स आए और वीडियो पे आपके जो प्यार आए, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा फील हुआ। और उसमें जो कमेंट्स मिले इसके ड्राइंग की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट डे आने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट का कंपटीशन होने वाला है, किसी को प्रोजेक्ट जमा करना है, तो होता क्या है कि सबको लगता है कि थोड़ा हम डिफरेंट करें, और यूट्यूब पर सभी सर्च करते हैं। सो ये जो पेंटिंग है इसका रेफरेंस आपको मिलेगा गूगल पर, लेकिन एज इट इज़ नहीं मिलेगा। मैंने रेफरेंस लिया है गूगल से, लेकिन मैंने थोड़ा इसको मॉडिफाई किया है, तो इसमें मैंने अपनी क्रिएटिविटी डाल के फिर इसको बनाया था और वाटर कलर के फॉर्मेट बनाया था मैंने। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग कैसे करेंगे, ताकि आप भी इसके ड्राइंग बना पाओ और अपने कॉम्पिटिशन या प्रोजेक्ट में जमा कर पाओ इस चीज़ को। कलर वाला तो आपने वीडियो देखा ही होगा, तो आप ड्राइंग वाली भी वीडियो देख लो, क्योंकि मैं दूसरे जगह इसकी ड्राइंग बनाऊँगा। तो अब इसका हम प्रोसेस देखेंगे कि इसकी ड्राइंग कैसे करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक सर्कल लोगे, मैंने इस सर्कल का यूज़ किया है यहाँ पे इस अर्थ को बनाने के लिए, राइट। सो उसके बाद अब यहाँ पे हम इसकी ड्रॉ करेंगे, आप इसका एक ड्रॉ कर लो, ठीक है। इससे अगर ये नहीं होगा आपके पास, तो कोई भी आप प्लेट ले सकते हो, या उसके अलावा कोई भी राउंड चीज़ें होंगी ना, उसको आप लेके बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक राउंड सर्कल में शेप हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हैंड है, और थोड़ा सा हम एक डिवाइड कर लेते हैं इसको, ताकि हम मेज़रमेंट ले पाएँ सेंटर पे, ठीक है। और यहाँ पे ये सेंटर पार्ट है, जैसे आप देखोगे ये सेंटर पार्ट है, ठीक है। तो सेंटर पार्ट में ये हैंड का दोनों क्रॉस एरिया आ रहा है, और फेस थोड़ा सा राइट साइड जा रहा है ना। तो अब इसके बाद आप एक मेज़रमेंट ले लो कि ये जो फेस है ये इस साइड आएगा, तो जैसे ये जो फेस है यहाँ पे आएगा, तो सबसे पहले फेस के लिए यहाँ पे एक सर्कल बना लो, ठीक है। सर्कल बनाया, और यहाँ पे एंगल कुछ ऐसे है फेस का, तो यहाँ पे आप ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे ये एरिया हो गया आपका। अब जस्ट आप क्या करो ना, कि पहले कुछ डिटेल मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से ही डिटेल करना शुरू कर देते हैं, जैसे आईज़ बनाया, नोज़ बनाया, फेस बनाया, वो सबसे बड़ा मिस्टेक है। क्योंकि अभी आपको क्या करना है कि आपको पहले मेज़र लेना है, ठीक है। मेज़रमेंट लेने के बाद आपको लगता है कि हाँ अब एक्यूरेट आ रहा है, तब जाके आप फाइन लाइन यानी कि फाइनल जो लाइन है आपका, उसको ड्रॉ करना शुरू करो। तो यहाँ पर आप ले लिया आपने एक सर्कल, ठीक है। सर्कल लेने के बाद फिर इसको अब फेस का एक शेप दे दो, ठीक है। यहाँ पे आपका फेस का शेप आ जाएगा, ओवल शेप। अभी आपको डिटेल नहीं करना है, ठीक है। ये एक ओवल शेप हो गया फेस का, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करना है कि ये ज़्यादा बड़ा हो या छोटा हो गया, इसका मेज़रमेंट आप बाद में देखोगे। पहले इसका देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये अर्थ का, ये इसका जो शोल्डर है उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस तकरीबन इतना है, ठीक है। इतना इस डिस्टेंस है, तो ये कहाँ आ रहा है आपका शोल्डर, ऐसे, और यहाँ से टर्न हो रहा है, टर्न होके इधर जा रहा है। तो अभी देखो हमारा जो चीक है ये काफ़ी नीचे आ चुका है, तो ये रहेगा एटलीस्ट यहाँ पे, ठीक है। ये होगा यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पे नेक हो गया, अब इधर राइट साइड वाला भी, लेफ्ट साइड वाला भी हम नेक कर लेंगे। तो नेक ये लेफ्ट साइड वाला इधर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे शोल्डर हो गया, ठीक है। अब देख रहे हो आप धीरे धीरे हमारा जो प्रोपोर्शन है वो आ रहा है बॉडी का, यहाँ पे आ गया ये चीज़। अब यहाँ पे देखो ऊपर अभी नहीं करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा हैंड ले लेंगे हैंड का, ताकि ये लगे कि यही जो फेस है शोल्डर है, यही आते हुए ये हैंड के आगे तरफ ऐसे हैंड जॉइंट हो रहा है, इसी शोल्डर से कनेक्टेड है ये हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो शोल्डर यहाँ पे गया है
है ना, ये यहाँ से कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जैसे है ठीक है, तो यहाँ से ये जाता है हैंड, ठीक है, फिर यहाँ से ये हैंड ऐसे जाता है, राइट। अब यहाँ पे ये वाला जो हैंड है ये ऐसे आया, और ये यहाँ से ऐसे जाता है। पूरा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से ड्रॉ करना चाहिए, तब जाके आपका जो बॉडी प्रोपोर्शन है ना वो सही लगेगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना कि हाँ इतना दिख रहा है तो इतना हैंड बना लिया पहले, इतना बॉडी बना लिया, वैसे नहीं, उस तरह से आपका जो प्रोपोर्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका प्रोपोर्शन सही जाएगा, ठीक है, सो उसके हिसाब से आपको चलना है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये हैंड, अब जाके यहाँ पे आप हैंड में जो स्ट्रक्चर है हैंड का वो दे सकते हो, जस्ट एक बॉक्स बॉक्स की तरह शेप दे दो, ठीक है। यहाँ पे आपका थंब हो गया है ना, यहाँ पे आपका ये फिंगर जा रहा है, तो फिंगर जा रहा है उसके लिए जस्ट आप एक बॉक्स दे दो, आपको जस्ट एक एरिया लेना है इतना दूर में फिंगर जाएगा। और ये वाला जो आ रहा है ये ऐसे क्रॉस हो जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे क्रॉस हो जा रहा है, ठीक है, बस ये एरिया हो गया आपका, राइट। उसके बाद अब चलना है आपको ऊपर, अब ज़्यादा भी कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अब चलना है यहाँ पे आपको ऊपर, ठीक है। ऊपर में क्या करना है कि धीरे धीरे आपको लगता है कि ये शेप ठीक है, तो आपको पहले एक एक्यूरेट लाइन लेना है यहाँ पे, ठीक है। एक्यूरेट लाइन मतलब कि आपको जब लगता है कि यहाँ पे फाइनल लाइन होना चाहिए, तो आप इसको फाइनल लाइन ले लो। इतना में हमारा फेस आ रहा है, तो ये हमारा फेस है, और ये जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे हेयर का, ये ऐसे जाएगा, ये हेयर का पार्ट है, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर हो गया है, आप थोड़ा नीचे ड्रॉ करना, ये स्पेस है नीचे तो हो सकता है, ठीक है। अब जाके यहाँ पे ये जो हेयर है इसको इधर से लेना शुरू करो, यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू करो, जस्ट रफ लाइन पहले, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्लाउड की तरह एक शेप देना है, क्योंकि ये हेयर और क्लाउड एक मर्ज हो रहा है, सो ये क्लाउड है आपका, सो उसके हिसाब से आपको ये देना है, ठीक है। तो इसमें आप कोई और भी अलग शेप भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ एकदम दो, है ना, आप थोड़ा बड़ा छोटा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। आपका मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद आप प्रोपोर्शन पे ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे फेस में हम थोड़ा सा डिटेल देंगे, यानी कि फेस के लिए आईज़ कहाँ से है, कहाँ आएगा, है ना, नोज़ कहाँ आएगा उसका एक स्पेस देना है, लिप कहाँ आएगा तो उसका एक स्पेस देना है, ठीक है। ये आईज़ का एरिया हो गया, ये नोज़ का हो गया, लिप का हो गया। अब यहाँ पे आपका आएगा ईयर, नोज़ से थोड़ा ऊपर है, राइट, इधर भी। बस आपको मेज़रमेंट लेना है पहले, अभी कोई भी लाइन फाइन नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो होगा क्या कि आप पूरी मेहनत से डिटेलिंग कर लोगे और बाद में आपको पता चलेगा क्या कि ये गलत लाइन जा रहा था, तो फिर आप इरेज़ करोगे, पहला चीज़ तो वो इरेज़ भी नहीं होगा, दूसरा चीज़ आपका पेपर ख़राब हो जाएगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बस इसमें जो आपको लाइन वाइन ऐड करना है वो क्लाउड की तरह वो ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे लगता है आपको कि ये जो शेप है वो ठीक जा रहा है, तो इसको क्या करो कि जो रफ़ एरिया है ना, पहले जो अननेसेसरी लाइन है उसको इरेज कर दो, ठीक है, ताकि आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओ क्लियरली, आपको अगर दिख नहीं रहा तो। देखो मैंने पेंसिल बहुत ही लाइटली चलाया है, ऐसे ही आपको भी लाइट चलाना है ताकि आपका जो पेपर है बाद में इरेज करने के बाद वो ख़राब ना हो। सो अब यहाँ पे पहले अंदर की चीज़ें जो हैं, जैसे नोज़ हो गई, तो नोज़ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे नोज़ का पॉइंट, ये हो गया, और ऊपर का जो टॉप है नोज़ का, यहाँ से देना शुरू करते हैं हम, ठीक है। नोज़ अब क्लोज़ करते हैं,
नोज़ हमारा हो गया क्लोज, ठीक है। अब ऐसे ही धीरे धीरे डिटेलिंग करते जाएंगे। आईब्रो आपका आ रहा है यहाँ, सो पहले एक लाइन दो आईब्रो के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये वाला आईब्रो आ रहा है ऐसे, और आईज़ आपका आएगा यहाँ पे, तो आईज़ आपको लेने हैं ऐसे यहाँ तक, और ऊपर इसका पार्ट जाएगा ऐसे। फिर इधर वाला जो आईज़ है, थोड़ा सा पेपर टिल्ट भी कर सकते हैं आप, ये ऐसे, राइट। अब यहाँ पे आप आईब्रो को भी डिटेल कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कि ये जो पार्ट है थोड़ा और अंदर आना चाहिए, तो इसको थोड़ा अंदर कर लो, ये भी पार्ट थोड़ा सा अंदर आना चाहिए, तो इसको भी अंदर कर लो। अब लिप्स की बारी है, तो लिप्स भी डिटेल कर लेते हैं, है ना। लिप्स का सेंटर पॉइंट यहाँ आ रहा है ना, तो पहले ऐसे लिप्स जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो एंड होता है ना, एंड में कभी भी लिप्स में अगर आप ऐसे डॉट देते हो ना, डेप्थ डालते हो, डेप्थ, इसको डेप्थ बोलते हैं, जो सबसे गहरा होता है, जिसमें गहराई दिखाते हैं, तो ये डेप्थ होता है, तो थोड़ा चेहरे पे स्माइल आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे वाला लाइन है उसको पहले हम इरेज कर लेते हैं ताकि क्लीन दिखे हमें। अब यहाँ पे नीचे वाला हमारा ऐसे जाएगा, और ऊपर वाला ऐसे थोड़ा पतला होते हुए लंबा। तो अभी इस लाइन को हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, डबल डबल लाइन हो गया है ना, जस्ट ऐसे, सो इसको भी अब यहाँ पे आप धीरे धीरे जो नेक है उसको भी क्लियर करते जाओ। यहाँ पे थोड़ा लाइन ये नीचे जाएगा, इसके वाले में भी इधर लाइन ये वाला जो है थोड़ा ऊपर आएगा, एक एक चीज़ें बाद में वो क्लियर होती जाती हैं, ठीक है, कि कौन सा मेरा कैसे जाएगा वो रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका ये ज़्यादा नहीं निकलेगा। अब इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे में डिटेल देना है, जैसे आपका जो हैंड था, ठीक है, आपका जो हैंड है फिंगर ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ये ऐसे जा रहा है फिंगर, यहाँ पे जो थंब है थोड़ा सा राउंड है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। ये फिंगर यहाँ पे आया, ये जो पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट कैसे जा रहा है, यहाँ के लिए भी एक सेपरेट लाइन देना पड़ेगा ताकि आपको ये डिस्टेंस इसका पता चले कि कहाँ तक आपको लाना है फिंगर का जो एंड है। अब धीरे धीरे आपको इसको लाइन लेते जाने हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो बीच वाला फिंगर होता है थोड़ा सा वो लॉन्ग होता है, तो आपको इसमें लॉन्ग ले जाना है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे ये फोर फिंगर का पोजीशन आ गया, तो बाद में अभी इसको डिटेल करना, इधर वाले भी थोड़ा क्लियर कर लो, राइट, इधर वाला भी क्लियर कर लो। क्लियर करने के बाद आप तब इसमें भी डिटेलिंग देना। आपका ये थोड़ा और पहले आएगा, तो जैसे जैसे इसमें लाइन आ रहे हैं वैसे वैसे आप इसमें भी लाइंस दे दो। अब ये हो गया, एक स्ट्रक्चर आपका रेडी हो गया, राइट। सो अब इसमें आप पूरी तरह से क्लीन कर सकते हो, जैसे कि ये जो आपने स्ट्रक्चर लिया था उसको पहले इरेज करो ताकि आप क्लीनली जो फाइन लाइन है आपका वो ड्रॉ कर सको। ये जो है पेंसिल, उसको शार्प कर लो अच्छे से, ठीक है। अब इसमें डिटेलिंग देना शुरू करो। कलर करने से पहले एक बार डिटेल कर लो ताकि आप क्लियरली एक ड्रॉ कर पाओ इसको, है ना,
जब भी आप पेंट करो तो उसमें डिटेल अच्छे से दे पाओ, आपका प्रोपोर्शन जो है वो अच्छा जाए। ऐसे ऊपर कैमरा लगा के ना थोड़ा सा दिक्कत होता है ड्रॉ करने में, सो मुझे दिखता नहीं है कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। उसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ ज़्यादातर, खास करके ऐसे झुक के, तो ठीक होता है वो ड्राइंग। तो ऐसे मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, इसलिए मे भी थोड़ा सा प्रॉपर होने में प्रॉब्लम होगी। अब आपका यहाँ पर ट्री है, तो धीरे धीरे आप इसमें सारी चीज़ें ऐड करते जाओगे, अलग अलग मोमेंट में। अपने हिसाब से भी आप रख सकते हो, नो इशू। और ये जो पीछे वाला लाइन है इसको पहले इरेज कर दो, ताकि आपका ट्री अच्छे से उभर के आए। कहीं के मैं लाइन डार्क चला रहा हूँ ताकि आपको दिखे। अब यहाँ पे जो है ये डियर है, डियर को आप एज इट इज़ ऐसे ड्रॉ कर दो बस सीधा। तो आई होप आपको दिखता होगा इसमें ये ड्राइंग कैसे किया मैंने। आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो इसको, राइट? तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो इसको, आपको अब पता चल गया होगा इस ड्राइंग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बाकी जो कलरिंग है उसका वीडियो आप देख सकते हो, पिछले मैंने प्रीवियस वीडियो उसको अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उसका लिंक, और आई बटन भी आपको मिल जाएगा, सो वो आप देख लेंगे तो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, राइट? सो आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा वीडियो आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको और कोई भी वीडियो चाहिए तो उस पर आप कमेंट कर दो, मैं उस वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।